ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं WWE से जुड़ी कुछ बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स, जहां पर हम बात करेंगे पॉल हेमन की वार्निंग के बारे में जो कि उन्होंने दी है ब्रॉक लेसनर के अपोनेंट को एट SummerSlam 2018। इसके अलावा बॉबी लेसनर ने रोमन रेंज से हार के बाद क्या कहा और रॉ के ऑफ एयर जान के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में मेरे पास आपके लिए कुछ खास भी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं बॉबी लेसनर के बारे में। तो रॉ के मेन इवेंट में हमने रोमन रेंज वर्सेस बॉबी लेसनर के बीच मैच देखा और हम सभी लोगों को पता था कि जो भी सुपरस्टार इस मैच को जीतेगा वो आगे जाकर ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फेस करने वाला। और इस तरह से यहां पर रोमन रेंज की जीत हुई और बॉबी लेसनर के हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो इस बड़ी हार के बाद बॉबी लेसनर ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट किया, जहां सबसे पहले उन्होंने अप्रिशिएट किया रोमन रेंज को। उन्होंने लिखा, रोमन रेंज वाकई में ट्रू वॉरियर है। मैं रॉक एपिसोड में अपने पूरे एफर्ट्स नहीं दे पाया, लेकिन मैं वापस आऊंगा और भी ज्यादा स्ट्रांग होकर। और यहां पर बॉबी लेसनर ने कुछ इस तरह से लिखा है कि इस हार से उनके लिए आगे जीत के लिए काफी सारे नए रास्ते खुलने वाले हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पर रोमन रेंज से बड़ी हार के बाद भी बॉबी लेसनर यहाँ पर काफी पॉजिटिव है और लग रहा है कि शायद बॉबी लेसनर आने वाले रॉ के एपिसोड्स में काफी कुछ अच्छा करने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुड़ी है पॉल हेमन से। तो रोमन रेंज एंड बॉबी लेसनर के रॉ के एपिसोड में मैच से पहले पॉल हेमन ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करी, जहां उन्होंने बताया कि कैसे सभी लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि रोमन रेंज एंड बॉबी लेसनर में से कौन जीतेगा और ब्रॉक लेसनर को कौन फेस करने वाला है। तो यहाँ पर पॉल हेमन ने कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बॉबी लेसनर आ रहे हैं या फिर रोमन रेंज, क्योंकि जो भी आएगा समर स्लैम में आकर अल्टीमेटली उसे ब्रॉक लेसनर के हाथों बहुत तगड़ी हार का सामना करना पड़ेगा और ब्रॉक लेसनर उस सुपरस्टार को बहुत ही बुरी तरह से धोने वाले हैं। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में आ रहे हैं ब्रॉक लेसनर, और जब ब्रॉक लेसनर तुम्हारे सामने फेस टू फेस खड़े होंगे तो तुम्हें सभी बातें समझ आ जाएंगी और ब्रॉक लेसनर तुम्हें सही तरह से सब कुछ समझा देंगे। तो यहां पर पूरा सीधे सीधे पॉल हेमन का कहना यह था, क्योंकि अब रोमन रेंज आ चुके हैं समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर से मैच लड़ने, तो पॉल हेमन यहां पर यह कह रहे हैं कि नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में भी ब्रॉक लेसनर बता देंगे रोमन रेंज को और समर स्लैम में जाकर भी रोमन रेंज एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर के हाथों चैंपियनशिप मैच हारने वाले हैं। तो देखते हैं पॉल हेमन की ये कही बात कितनी सच साबित होती है, बिकॉज़ पॉल हेमन सेड दैट्स नॉट अ प्रेडिक्शन, दैट्स अ स्पॉइलर। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुड़ी है रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला। तो रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद केविन ओवन, सुनील सिंह एंड जिंदर महल आते हैं और एक बार फिर से वो इनर पीस की बात करते हैं, मन की शांति वगैरह वगैरह उनका ड्रामा चलता है। लेकिन एक बार फिर से ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हैं और वो इनर पीस निकाल देते हैं जिंदर महल, सुनील सिंह एंड केविन ओवन्स के। और एक बार फिर से यहां पर जिंदर महल, सुनील सिंह एंड केविन ओवन्स के ऊपर अटैक हो जाता है और एंड में ब्रॉन स्ट्रोमैन स्टैंड टॉल करते हैं। यही कुछ हमें देखने को मिला रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद वहां बैठी ऑडियंस के लिए। इसके अलावा आप लोगों के लिए खास चीज यहां पर है कि WWE में आज के दिन जो कुछ भी हुआ, अगर आपने जरा से मिस किया तो उसके लिए सिंपली आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चैनल के लोगों पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपके सामने इस तरह से कुछ हमारा लेआउट खुलकर आएगा। वीडियोस के सेक्शन में जाइए और यहां पर आपको जो चार वीडियोस दिख रही है सबसे लेटेस्ट, आप उन सारी वीडियोस को वॉच कर लीजिए और आपका सभी कुछ पता चल जाएगा कि आज के दिन WWE के अंदर क्या कुछ हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप WWE की कोई भी अपडेट जरा सी भी मिस करें। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आएगी। तो जल्दी से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट करके आप मुझे बताना कि पॉल हेमन के प्रेडिक्शन के बारे में आपका क्या कहना है। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।